Launching the Soil Health Card scheme in Sri Ganga Nagar, Rajasthan, Prime Minister Narendra Modi said the Vasundhara Raje-led government was well equipped to remove the Bimaru tag from Rajasthan. एक समय था हमारे देश में बीमारू राज्य ऐसा एक शब्द प्रयोग हुआ करता था, बीमारू, जिसमें ये पिछले 20 साल से ये शब्द प्रयोग चल रहा है। बीमारू शब्द का मतलब होता था बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये बीमारू राज्य है। लेकिन मुझे विश्वास है कि राजस्थान के लोगों ने ऐसी सरकार चुनी है, आपको ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं, देखते ही देखते ये राजस्थान बीमारू श्रेणी से बाहर निकल जाए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की गिनती भी बीमारू राज्य में होती थी, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आर्थिक विकास का एक अभियान चला और उसका परिणाम ये आया कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य में गिने नहीं जाते। शिवराज जी तो आज आ नहीं पाए, लेकिन उसके राज्य को प्रथम नंबर का अवार्ड प्राप्त हुआ। वो सबसे ज्यादा कृषि उत्पादन के लिए हुआ, कृषि क्षेत्र में उन्होंने क्रांति की, उन्होंने सिंचाई की योजनाओं को आधुनिक बनाया, उन्होंने फसल को किसान के साथ आधुनिक शिक्षा पद्धति से जोड़ करके डेवलप किया। और कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि गंगा यमुना के प्रदेश ही कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश ने गंगा और यमुना के प्रदेशों को पीछे छोड़ दिया और आज देश में नंबर एक पे आके खड़ा हो गया। और वही एक ताकत थी जिसके कारण मध्य प्रदेश आज बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आ गया। राजस्थान में भी हम कृषि को, किसान को, गांव को, गरीब को एक के बाद एक जो कदम ले रहे हैं, राजस्थान सरकार और भारत सरकार मिलकर के जो परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे मुझे विश्वास है कि वसुंधरा जी के नेतृत्व में ही इसी सरकार के कार्यकाल में राजस्थान अब बीमारू नहीं रहेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। आज सॉइल हेल्थ कार्ड पूरे देश के लिए इस योजना का आरंभ हो रहा है और सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए उसका घोष वाक्य है स्वस्थ धरा खेत हरा। अगर धरा स्वस्थ नहीं होगी तो खेत हरा नहीं हो सकता। खातर कितना ही डाल दे, खाद कितना ही डाल दे, बीज कितने ही उत्तम से उत्तम ला दे, पानी में धरती को डुबो करके रखें, लेकिन अगर धरती ठीक नहीं है, धरा ठीक नहीं है, तो फसल पैदा नहीं होती, अच्छी फसल पैदा नहीं होती, कम फसल पैदा होती है, हल्की क्वालिटी की फसल पैदा होती है। जिस मनोभाव से मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम चलाया है, उतने ही मनोभाव से ये धरती रूपी मां को बचाने के लिए मैंने अभियान छेड़ा हुआ है और मुझे मेरे किसान भाइयों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। मेरी सभी किसान भाइयों से आग्रह है, हम हर वर्ष अपनी धरती का, अपने खेत की जमीन का, मिट्टी के नमूने का परीक्षण करवाएं। सरकार इस योजना को देशव्यापी लागू कर रही है, उसको और अधिक वैज्ञानिक बनाना है। जैसे आजकल हर छोटे मोटे शहर में
ब्लड टेस्ट की लेबोरेटरी होती है, पैथोलॉजी लेबोरेटरी होती है। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में लाखों की तादाद में ऐसे नए एंटरप्रेन्योर तैयार हो जिनको ये सॉइल टेस्टिंग का काम आता हो, वे अपनी लेबोरेटरी बनाएं और वो भी किसानों को लैब में परीक्षण करके दे। जहां एपीएमसी है, एपीएमसी के लोग भी अपने यहां एक लैब बनाएं और अपने जितने किसान आते हैं उनको अपनी लैब में माटी का परीक्षण करके देने की व्यवस्था खड़ी करें। Powered by NNIS.